हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को क्लास 9 का संख्या चैप्टर नाम संख्या पद्धति का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो सॉल्यूशन में लिखूंगा यस। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, संख्या उसके बाद बोला है क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते है। कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे पी और क्यू के पूर्णांक है। देखो, पी बाई क्यू इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, बट कंडीशन रहता है क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो बोला है जीरो एक परिमेय संख्या है। तो देखो, 0/1 बराबर 0, एक है परिमेय संख्या होगा। देखो, 0/2, 0/-3, 0/-3, यह हो गया आपका आंसर, हो जाएगा ठीक है ना, यही होगा आपका। देखो क्या बोला है, पी और क्यू का है पूर्णांक है। देखो, पूर्णांक में क्या आता है? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, तो आ जाएगा यह सब, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच। आप सभी का, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है 3 और 4 के बीच। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच है परिमेय संख्या कितना? बीस है परिमेय संख्या, है परिमेय संख्या। ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, हम लोग से बताए थे जितना पूछेगा उसमें एक ऐड करना है। तो क्या पूछा? 6 पूछा है, तो 6 में एक जोड़ दो। जब 6 में एक जोड़ दो, क्या आएगा? 7। क्या आ गया? 7। और बोला 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हर है उसमें एक बार लिख दीजिए। इससे कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जो ये 7 है, इसको ऊपर नीचे क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें मतलब 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, तो 28, 7 × 1 = 7। अब देखो, अब बोला एक, अब इसको एक एक 21 7, इसको क्या आएगा? 22 7, एक एक बढ़ाते जाएंगे, 23 7, 24 25 7, 26 7, 27 सात, 28
कहाँ तक, 28 से 7 तक। अब इसको जो कटने वाला रहेगा उसको हम काट देंगे, तो 7 1 7 और 7 3 20 1, फिर 7 1 7 7 4 20 1। उसके बाद क्या है, 23 32 24 32 26 32 26 32 27 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
परिमेय संख्या, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्या। तो देखो एक दो तीन चार पांच छह, यहाँ लिख दो, तीन और के बीच छह परिमेय संख्या क्या क्या आ रही है, लिख लो, देख लो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27, 27/7। तीसरा क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम आप लोग सबको बताए थे कि जितना पूछेगा उसमें क्या करो, एक जोड़ दो, ठीक है ना। जितना पूछेगा उसमें एक जोड़ दो, तो क्या मिलेगा, छह मिलेगा। किसके किसके बीच पूछ रहा है, पूछ रहा है 3/5 और 4/5। अब आप लोग को जो यहाँ आएगा उसी को ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो, छह 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 छत्री अठारह 30 6×5 30 6×6 24 24/30। अब देखो 18/24, अब 18/30 उसके बाद एक बढ़ा दो, 19/30 20/30 20/30 22/30 30 23/30 24/30। यहीं तक दिया है, अब कुछ नहीं करना है, जो कटने वाला रहेगा उसको काट दो। तो देखो 36 18 6×5 30, या नहीं कटेगा या कटेगा, 0 से 0 खट्टा कट जाएगा। देखो ये 3×7 21, 3×3 30, ये भी कट जाएगा 2 से, 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 50, ये नहीं कटेगा या कट जाएगा, ये कट 4 आ जाएगा, यहाँ 5। अब देखो क्या बच रहा है, 3/5 19/20 30 2/3 7/10 11/15 30/30 और 4/5। अब क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच, तो 3/5
और 4/2 के बीच कितने परिमेय संख्या? 5। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, आ गया 5। तो यहाँ लिखोगे 3 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या आएगा? जैसे सब लिख दो, 19/30, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, बस देखो 1 2 3 4, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? यस, सत्य। सत्य क्या होती है? सत्य। सॉल्यूशन में लिख लो, सत्य। सत्य सत्य। अब क्या बोला है? कारण के साथ उत्तर दीजिए, रीजन के साथ क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। अब देखो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? बस प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाती है? 0 ऐड हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 का 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, क्या बोले? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो जो प्राकृतिक संख्या है ये भी इसमें है ना, इसको यह संग्रह कर रहा है ना, इसीलिए क्या है? वह सत्य है। 0 पर 0 को छोड़कर उसको सब क्या है? इसमें प्राकृतिक संख्या आ जा रही है, इसीलिए क्या है? यह सत्य है। क्या बोले? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो इसमें प्राकृतिक संख्या आ जा रही है कि नहीं? जितना रहेगा प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाएगा, बस 0 प्राकृतिक में 0 नहीं आता है, इसलिए क्या यह सत्य है। अब दूसरा का क्वेश्चन बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन में लिख लो, असत्य। असत्य। अब देखो कैसे पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक बताओ जिसमें 0 भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो और ऋणात्मक भी संख्या हो। तो 0 1 2 3 4 5, उसको क्या दिया है? -1 -2 -3। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा। तो देखो पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या में बस 0 1 2 3 4 5 ही आता है, लेकिन पूर्णांक में -2 आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए क्या है? यह असत्य है। -2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, देख लो -2 में पूर्ण संख्या है नहीं, यही हो जाएगा आपका रीजन हो जाएगा, यही रीजन हो जाएगा, यही सब क्या आ जाएगा? रीजन हो जाएगा, कारण हो जाएगा। अब बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य। सॉल्यूशन क्या होगा? असत्य।
सत्य। अब देख लो, अब मान जाओ 1/2, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट 4 क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।